हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं अंकित सरल। दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्यू लिस्ट विजिट को किस तरीके से हम क्यूटी की एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे ये समझा था, और किस तरीके से हम उसमें चेकबॉक्स इनेबल करेंगे, आइकन लगाएंगे और टेक्स्ट डालेंगे, ये सारी चीज़ें हमने क्यू लिस्ट विजिट में सीखी थी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम थंबनेल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग क्यू लिस्ट विजिट, ये समझेंगे। तो सबसे पहले एक सैम्पल प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टेप्स पहले जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में हमने यूज़ करे हैं वही हैं, सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें चेंज करनी है और आसानी से हम एक थंबनेल व्यूअर बना सकते हैं। मैं आप प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ थंबनेल लिस्ट विजिट। मेन विंडो डॉट यू आई में मैं एक क्यू लिस्ट विजिट ले लेता हूँ, इससे मैं बाउंड कर देता हूँ, इसका थोड़ा सा साइज आउट कर देता हूँ, और मेन विंडो डॉट सी पी पी के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे इसका व्यू मोड सेट करना है, तो यू आई लिस्ट विजिट सेट व्यू मोड, तो मैं इसका व्यू मोड आइकन कर देता हूँ क्यू लिस्ट विजिट आइकन मोड। दूसरी प्रॉपर्टी मुझे सेट करनी है, आइकन का साइज मैं सेट करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ क्यू लिस्ट विजिट सेट आइकन साइज क्यू आइकन, इस आइकन पे मैं साइज कर दूंगा इसका 200x150। थर्ड, मुझे इसका जो रीसाइज मोड चाहिए वो एडजस्टेबल चाहिए, कि मैं जिस तरीके से मेरी एप्लीकेशन बड़ी हो तो वो आइकन्स अपने आप एडजस्ट हो जाएं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, तो मैं वो एडजस्ट करना चाहता हूँ लिस्ट विजिट सेट रीसाइज मोड क्यू लिस्ट विजिट एडजस्ट। अब बाकी जो भी काम हम करेंगे वो हमने जिस तरीके से पहले वाले ट्यूटोरियल में किया था कि हम एक क्यू आइटम क्यू लिस्ट विजिट लेंगे, उसमें हम आइकन सेट करेंगे और टेक्स्ट सेट करेंगे, वही सारा काम है। मेरे पास यहाँ इस डायरेक्टरी के अंदर करीबन 20 इमेजेस हैं, इन 20 इमेजेस को मैं थंबनेल व्यूअर में डिस्प्ले करवाऊंगा, तो मैं एक लूप लगा देता हूं फॉर int i इज इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे इसको नंबरिंग देनी है 1 से i इज इक्वल टू 1, i इज स्मॉलर देन इक्वल टू 20, i प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं क्यू लिस्ट विजिट आइटम ले लेता हूँ, और इस आइटम को मैं इनिशलाइज करवा लेता हूँ आइटम, इसके अंदर मुझे पाथ पास करना पड़ेगा, तो मैं एक क्यू स्ट्रिंग के अंदर पाथ क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इमेजेस का पाथ ले लेता हूँ टर्मिनल के थ्रू, स्ट्रिंग जानते हैं कि नंबर को, क्योंकि मेरे पास 20 आइकन्स हैं तो मैं उनको नंबर के थ्रू ही एक्सेस कर पाऊंगा, प्लस जेपीजी। यहाँ पर मैं नंबर दे देता हूँ क्यू स्ट्रिंग नंबर आई, और इस पाथ को मैं क्यू आइकन क्लास के थ्रू इंसर्ट करवा देता हूँ क्यू लिस्ट विजिट आइटम में। साथ ही में हम चाहते हैं कि जो भी थंबनेल हो उसके नीचे उसका नाम आए, तो हम ये जो स्ट्रिंग है इसको भी यहाँ पे इंसर्ट करवा देते हैं।
क्यू स्ट्रिंग, इसके अंदर हम इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर डॉट जे पी जी के साथ ये कंप्लीट एक उसका नाम हो गया। और इस लिस्ट विजिट आइटम को, इस लिस्ट विजिट आइटम के पॉइंटर को हम ऐड आइटम के थ्रू इंसर्ट करवा देते हैं। यू आई लिस्ट विजिट ऐड आइटम आइटम, रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ये देखिए दोस्तों, मेरी सारी इमेजेस, जो भी मेरा थंबनेल मेरी पिक्चर्स थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं। देखिए 20 पिक्चर्स मैंने इसमें इंसर्ट करी थी वो सारी आ चुकी हैं और साथ ही में उनका नाम भी नीचे आ चुका है। अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए उसका नाम भी एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, मतलब प्रॉपर सिलेक्शन ये बता रहा है उस एक थंबनेल का। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरीज या इश्यूज हैं या आप और कुछ जानना चाहते हैं क्यूटी में, या फिर आपको क्यूटी में कहीं आप अटक रहे हैं सीखने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।